सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट में। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के लेके आए हैं, जो कि जीपेट और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो अपना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट। इनमें से कौन सा एक सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट और हम एगोनिस्ट भी कह सकते हैं इसको। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि बीटा टू स्टिमुलेंट या बीटा टू एगोनिस्ट होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो है अपना वो है कैफीन, सेकंड वाला है सालब्यूटामॉल, थर्ड सी जो है वो प्रोपेनोलॉल और डी जो है अपना बीटा स्टेडियन। तो इसमें से कौन सा वाला है जो कि हमारे लिए बीटा टू स्टिमुलेंट है, तो इसका आंसर जो है वो है अपना सालब्यूटामॉल। दोस्तों, जो सालब्यूटामॉल जो होता है वो सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट या सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट होता है। इसके अलावा सालब्यूटामॉल के अलावा बम्बेटरोल, सालमेटरोल, ये सब सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट होते हैं। अगला जो अपना था वो है प्रोपेनोलॉल। तो प्रोपेनोलॉल जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा टू एंटागोनिस्ट या बीटा टू ब्लॉकर है। ये प्रोपेनोलॉल नॉन सिलेक्टिव है, मतलब यार बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है, कोई सिलेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट जो अपना बीटा हिस्टिडीन, बीटा हिस्टिडीन जो है वो अपना H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जो है कैफीन होता है अपना फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है कि द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द सिंपेथेटिक नर्व फाइबर। ऐसा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होता हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपेथेटिक नर्व फाइबर की बात चल रही है। तो अपना जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन और फाइटोस्टिग्मिन। तो सोचिए दोस्तों, कौन सा हो सकता है जो कि सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो वो होता है अपना नॉरएपिनेफ्रिन। दोस्तों, जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होता है। अगला जो फिर अपना दिया हुआ है वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है ये अपने पैरा सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होता है, ठीक है ना। जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो अपने सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होता है, जबकि एसिटाइल कोलिन पैरा सिंपेथेटिक नर्व फाइबर के एंड से रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन देखा होगा पैरा सिंपेथेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और जो अपना एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सब अपने सिंपेथेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। एपिनेफ्रिन जो है दोस्तों वो अपना है, एपिनेफ्रिन अपने एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है अपनी किडनी के ऊपर, वहाँ से अपना एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना बेलफोरिक एसिड इनहिबिट्स। जो अपना बेलफोरिक एसिड होता है वो क्या इनहिबिट करता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो है ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज, सेकंड वाला है गावर ट्रांसमिनेस, थर्ड वाला है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस और फोर्थ वाला सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेस। तो जो बेलफोरिक एसिड होता है वो इनमें से कौन से वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो आंसर जो है अपना वो है गावर ट्रांसमिनेस, ठीक है ना। दोस्तों, गावा ट्रांसमिनेज जो होता है वो एक मेटाबॉलिक एंजाइम होता है जो कि गावा न्यूरोट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म करता है। गावा ट्रांसमिनेज एक एंजाइम होता है जो कि अपने गावा का मेटाबॉलिज्म करता है। उसके अलावा अपना जो होता है ग्लूटामेट डीकार्बोक्सीलेज, तो ग्लूटामेट डीकार्बोक्सीलेज से वो एंजाइम होता है दोस्तों ग्लूटामेट का डीकार्बोक्सीलेशन करके उसे गावा में कन्वर्ट करता है अपना ग्लूटामेट डीकार्बोक्सीलेज एंजाइम। तो ग्लूटामेट का गावा में कन्वर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो होता है अपना ग्लूटामेट डीकार्बोक्सीलेज। अगला जो ऑप्शन है वो अपना है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है दोस्तों ये एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एसिटाइल ग्रुप को
ट्रांसफ़र करता है अपने कोलिन पे और जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। अगला जो है वो अपना सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। तो जो सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज होता है ये विटामिन B6 डिपेंडेंट एंजाइम होता है जो कि रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कौन सी रिएक्शन? ये सेरिन का ग्लाइसिन में कन्वर्जन होने वाली रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई प्योर शॉर्ट ओपॉइड एंटागोनिस्ट। अपने ऑप्शन है नेलेक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेलमेफेन एंड पेंटाजोशिन, ठीक है ना। तो जो अपना शॉर्ट एक्टिंग वाला जो होता है से कम एक्शन वाला, कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाला जो एंटागोनिस्ट होता है वो अपना होता है नेलेक्सोन। नेलेक्सोन जो होता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे का होता है, जबकि अपने नेल्ट्रेक्सोन जो होता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 घंटे तक होता है, और जो सी जो अपना है नेलमेफेन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 48 घंटे का होता है, और जो अपना दिया हुआ है पेंटाजोशिन, पेंटाजोशिन जो है वो अपना ओपोइड एगोनिस्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन दिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनहिबिटर एक्सेप्ट। तो जो नीचे दिए गए ड्रग में से 3 ड्रग तो अपने माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं, मतलब जो हमारी सेल साइकिल होती है जिसमें जो एम फेज होता है उसको इनहिबिट करती है, ठीक है ना। एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है, इनमें से 3 ड्रग जो हैं वो अपनी माइटोटिक फेज पर जाकर टारगेट करती हैं, उसको इनहिबिशन करती है। तो वो वाली ड्रग के अलावा एक कौन सी ड्रग है, तो उनमें से एक ड्रग अलग कैटेगरी की है तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है, तो वो ड्रग कौन सी है। तो इनमें से जो अपनी आंसर जो है वो है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है दोस्तों वो एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। बाकी के विनब्लास्टिन, पेस्लिटेक्सल एंड ग्रेसियोफिल्विन जो होते हैं वो अपने माइटोटिक इनहिबिटर होते हैं, ठीक है ना। सिस्प्लास्टिन होता है अपना एल्काइलेटिंग एजेंट, विनब्लास्टिन जो होता है वो अपने ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है प्रोड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन की प्रोड्रग जो है वो कौन सी है। ऑप्शन जो है अपने वो है अपने ज़ाफ्रिलुकास्ट, सेकंड वाला है साल्मेटरोल, थर्ड वाला है बम्बेटरोल और फोर्थ वाला है वो अपने कार्बेडाइलोल। तो आंसर जो है अपना कि टर्ब्यूटालिन की प्रोड्रग कौन सी होती है, तो वो है अपनी बम्ब्यूटेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है फार्माकोडाइनेमिक इज डिफाइंड एज। फार्माकोडाइनेमिक क्या होता है। अपना ऑप्शन जो है वो है द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, सेकंड ऑप्शन है द एक्शन ऑफ द लिवर ऑन द ड्रग, सी वाला है द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, एंड डी वाला जो है अपना द मोमेंट ऑफ द ड्रग अराउंड द बॉडी। तो सही आंसर क्या है, फार्माकोडाइनेमिक क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो है अपना सी, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है ना दोस्तों। फार्माकोडाइनेमिक होता है कि हमारा जो है ड्रग जो है जो हमने लिया है वो बॉडी के ऊपर अपना क्या इफेक्ट करता है, ये कहलाता है अपना फार्माकोडाइनेमिक, ठीक है ना। जबकि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जो भी ड्रग हमने ली है उसके ऊपर बॉडी क्या करती है उस ड्रग का, मतलब द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, जिसके अंदर हमारा ADME, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है एलियोपुरिनोल कैन इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ। एलियोपुरिनोल जो ड्रग होती है वो किसका मेटाबॉलिज्म को रोक सकती है। तो अपने ऑप्शन है ए सिस्प्लेटिन, बी डॉक्सीरूबिन, सी मरकैप्टोप्यूरिन, डी 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो सही ऑप्शन जो है वो अपना है मरकैप्टोप्यूरिन। एलोपुरिनोल जो अपनी ड्रग होती है वो एंटी गाउट एजेंट होती है जो कि अपने जेंथिन ऑक्सीडेस एंजाइम
को इनहिबिट करती है, ठीक है ना। और जो जेंथिन ऑक्सीडेस होता है वो अपने मरकेप्टोप्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो अपनी येलो फिनोल होती है वो जेंथिन ऑक्सीडेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से अपना मरकेप्टोप्यूरिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। इसकी वजह से अपने ब्लड में मरकेप्टोप्यूरिन की इसकी हाफ लाइफ है जो वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है एंटीबायोटिक विच इंट्रैक्ट विथ कैल्शियम आयन, वो एंटीबायोटिक जो कि कैल्शियम आयन के साथ इंट्रैक्ट कर सकती है। ऑप्शन अपने हैं इरिथ्रोमाइसिन, सेकंड है अपना क्लोरामफेनिकोल, थर्ड है अपना टेट्रासाइक्लिन और डी है अपना एम्पिसिलिन। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि अपने कैल्शियम आयन के साथ इंट्रैक्ट कर लेती है? तो जो आंसर जो है अपना वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होता है दोस्तों वो कैल्शियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है।